जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, कल की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि उमरान मलिक एक क्रिकेटर हैं, उनके फादर अभी भी जो फ्रूट्स हैं वो बेचते हैं। उमरान मलिक का पता है हमें तो, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, फास्ट बॉलर है और बहुत ही तेजी से गेंद कराते हैं। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से वो खेलते भी हैं, आईपीएल में देखेंगे, इंडिया की तरफ से वैसे भी खेले हैं। तो उनके फादर जो है वो फ्रूट का काम करते हैं कश्मीर में, कश्मीर से ना, कश्मीर के हैं तो वो फ्रूट का काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा वो मतलब क्रिकेटर आपको जब इंडिया में कोई बन जाए तो इतना अमीर हो जाता है, फिर भी वो फ्रूट मतलब बेच के मतलब कर रहे हैं अपना जो होता है ना बंदे का यार नहीं अपना बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में, प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज प्रीति जी, एक बार आंखें भर जाती हैं भाई, देखो हमारा बच्चा आज कहां से कहां पहुंचा है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी भी मुझे आपकी आंखें ऐसे भरी भरी सी लग रही है मेरे अंकल, ऐसे रोने वाली बात नहीं कर रही। उमरान मलिक ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, खुश प्लेयरों ने जो बड़े बड़े प्लेयर है उनकी बहुत तारीफ की भाई, ये बच्चा है जो उमरान मलिक, ये बड़ी अच्छी बॉल डालता है। लेकिन अंकल इतने डाउन टू अर्थ है, जो अपना काम था वो छोड़ा नहीं, अभी भी वो फ्रूट जो है वो बेच रहे हैं। अंकल मैं कभी दिल में नहीं आया यार बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में मैं जशी मारूं, ऐश करूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं वैसे भी जशी मार रहा हूं मैंने क्या बात है। तो उधर ना लड़कियां बड़ी कमेंट करती रहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना। तो उमरान मलिक जी के शादी करने का क्या इरादा है आपको? अभी उसको खेलने दो यार, अभी शादी का नाम मत लो यार, अभी खेलने दो। मतलब जो उमरान मलिक जी है हम देखते इतनी फास्ट बॉलिंग कराते, इतनी फास्ट बॉलिंग कराते, बचपन में मतलब कौन सा ताना मारना सिखाया था आपने जो इतना मतलब फास्ट बॉलिंग आती है? उसको शुरू से शौक था कि मैं तेज बॉल कराता हूँ, तो ये खेलने जाता था तो इसके लड़के इससे डरते थे, कहते यार बड़ी तेज बॉल कराता हमने इसके साथ खेलेंगे। मेरे बच्चे का यही सपना था मैंने इंडिया खेलना है, और आपका? तो आज उसका सपना पूरा हुआ, उसका हुआ तो हमारा पहले हो गया यार। न्यूजीलैंड की सीरीज में तो फिलहाल सिलेक्ट हो चुके हैं, आगे आने वाले वक्त में नंबर वन बॉलर भी बनेंगे और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, सबसे फास्टेस्ट बॉलर थी, पता ना आपको? उसके बारे में कुछ नहीं, ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करनी, लेकिन हम तो उम्मीद लगाएंगे भाई। आज की ये वीडियो करते हुए ना मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आज मैं उन अंकल के साथ हूँ जिनका बेटा हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, उमरान मलिक न्यूजीलैंड की सीरीज में सिलेक्ट हो चुके हैं और मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना कसम से। अंकल जी आपको कितनी ज्यादा खुशी है? हमारे और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है हमारे लिए, हम बड़े खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है, पूरा जम्मू और कश्मीर पूरा हिंदुस्तान खुश है इसमें। तो अंकल यार आप मतलब जो उमरान मलिक जी है हम देखते इतनी फास्ट बॉलिंग कराते, इतनी फास्ट बॉलिंग कराते, बचपन में मतलब कौन सा ताना मारना सिखाया था आपने जो इतना मतलब फास्ट बॉलिंग आती है? उसको शुरू से शौक था कि मैं तेज बॉल कराता हूँ, तो ये खेलने जाता था तो इसके लड़के इससे डरते थे, कहते यार बड़ी तेज बॉल कराता हमने इसके साथ खेलेंगे। अच्छा अंकल की ना एक खास बात मेरे को ये लगी, बेटा अभी मतलब सोच रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुका है और हिंदुस्तान में ना बॉलीवुड और क्रिकेट ये दो ऐसी चीजें जो मानी जाती है कि भाई बहुत शोहरत है बहुत ये, लेकिन अंकल इतने डाउन टू अर्थ है, जो अपना काम था वो छोड़ा नहीं, अभी भी वो फ्रूट जो है वो बेच रहे हैं। अंकल मैं कभी दिल में नहीं आया यार बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में मैं जशी मारूं, ऐश करूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं वैसे भी जशी मार रहा हूं मैंने क्या बात है, मतलब यही मेरी जशी है, मेरी यही आशा है, मेरा बच्चा खुश होना चाहिए, हम खुश हैं सारे। क्या बात है बेटा, उमरान मलिक बोलते होंगे आपको पापा यार अब थोड़ा रहन दो आराम में करो घर में बैठो? कभी नहीं बोला उस बच्चे ने बेचारे, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है। कभी मैं नहीं आता हूँ ना दुकान पे तो पापा बोलता है उधर से फोन करके, पापा अभी दुकान पे नहीं गए, मैं जा रहा हूँ यार रास्ते में काम करते अच्छे रहते हैं। अंकल आप भी जब मैच देखते होंगे उमरान मलिक को टीवी पे, तो हम ना खास तौर पर हिंदुस्तानियों की एक बड़ी सी दिक्कत है, मतलब बॉलिंग जो बॉलर करा रहा है वो जैसे मर्जी करा रहा है, हम बोलते नहीं थोड़ी सी ऐसे बाउंस कर देता है, थोड़ी सी शॉर्ट पिच डाल देता है ना अच्छी होती। तो आप भी क्रिकेट के शौकीन तो रहे होंगे, तो जब मैच कभी खत्म हुआ उमरान मलिक को आपने बोला यार ये वाली बॉल तो ऐसे डाल देता हो तो बड़ा मतलब मजा आता, आपने कभी ऐसा बोला? कभी नहीं बोला हमने, मैंने कहा बच्चे की अपनी उसने अपने हिसाब से खेला, हम क्या बोलेंगे उसको, देखो हमको तो क्या पता वो क्रिकेट का पता है, वो जो ग्राउंड में होता है उसको पता होता है। सही बात है। तो जब पहली बार वो गए सनराइजर्स हैदराबाद में सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद जब टूर लगा के पहली बार वापस आए इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में बैठ के, उसके बाद घर पे आके उन्होंने क्या क्या किस्से आपको सुनाए, भाई मैं इनसे मिला मैं इनसे मिला, बेटे को तो होती है ना उमरान मलिक को कि थोड़ी सी यार क्या क्या सुनाया उन्होंने फिर? देखो जब हमने उसको पहली बार देखा ना यार हमने सोचा यार हमारा भी बच्चा देखो कितने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ आज खेल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यार, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो बड़े प्लेयरों ने जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी बहुत तारीफ की भाई, ये बच्चा है जो उमरान मलिक, बड़ी खुशी होती है माँ बाप को यार।
तो बड़ा उसको और नहीं तो क्या। आपको पता भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कमेंटेटर बीच में कमेंट्री करते करते भी बोल रहे थे कि उमरान मलिक जो है इस पिच पे बहुत बढ़िया होता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अंकल जैसे होता है ना बचपन में अगर कोई बेटा खेलने जाता है बाहर क्रिकेट, उसको कुट बड़ी मारते हैं खासतौर पर मतलब कि खेलने नहीं जाना या नहीं जाना। आप खेलने देने देते जा रहे हैं या? मैंने कभी मना नहीं किया यार उसको, मैंने पूरी सपोर्ट की उसको। बचपन में तो मारा होगा, जब बाद में प्रोफेशनली खेलता तो बचपन में बोला होगा क्या खेलता रहता है। नहीं कभी नहीं, कभी एक बच्चा है मेरा, एक ही लड़का है, दो बेटियां हैं, वो बच्चा इतना प्यारा है ना, तो हमने कभी उसको डांटा भी नहीं आज तक, और उसने जो मांगा उसको हमने लेके दिया, जो भी चीज चाहिए होगी उसको हमने कभी मना नहीं। तो आज लगता है कि उमरान मलिक वापस आपका बेटा वो आपको दे रहा है जो आपने मतलब होता है ना बाप का सपना। इससे बड़ी इज्जत हमारे लिए और क्या हो सकती है। उसने बहुत बड़ा एक नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू और कश्मीर में, कोई भी आता है सारे हमको मुबारकबाद देते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अब देखो बच्चा मेरा आज इंडिया खेल रहा है, मुझे इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। घर पे भी सारे आते होंगे, तारीफ करते होंगे आपके बेटे ने, एक बाप को कैसा लगता है जब होता है बेटा कि आपके बेटे ने इतना नाम कमाया, एक बाप की क्या फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंखें भर आई हों ऐसे प्राउड? कई बार आंखें भर जाती है, फिर देखो हमारा बच्चा आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे आपकी आंखें ऐसे भरी भरी सी लग रही है। मेरे अंकल ऐसे रोने वाली बात नहीं कर रही, उमरान मलिक ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। खुशी के आंसू है कोई बात नहीं, लेकिन कसम से मजा आ गया मुझे ये वीडियो करते हुए, इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है ना। अच्छा अंकल हम तो उनको टीवी पे देख ही रहे हैं, आपने लाइव स्टेडियम में जाके उनको बॉलिंग करते हुए देखा है? जिंदगी नहीं रही तो कभी देखेंगे उसको भी जाके यार। बिल्कुल देखेंगे, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज है, ये तो शुरुआत है छोटी सी, इसके आगे जाके उमरान मलिक ने और भी नाम कमाना है। और मैं अंकल दिल से चाहूंगा ना जितने भी ऑस्ट्रेलिया के टूर लगे, न्यूजीलैंड के, लंदन के लगे, आप साथ साथ में जाओ, मतलब गाबा में जाके ना आप मैच देखो। देखेंगे इंशाल्लाह, पक्का देखेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा वैसे ना मैं उमरान मलिक जी, आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर इतनी फैन फॉलोइंग होगी ना, अभी मिलियन तो होने वाला है उनका इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर, तो उधर ना लड़कियां बड़ी कमेंट करती रहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उमरान मलिक जी का शादी करने का क्या इरादा है आपको? अभी उसको खेलने दो यार, अभी शादी का नाम मत लो यार, अभी खेलने दो उसको, अभी बड़ी बहुत लाइफ है उसकी, अभी उसने क्रिकेट खेलना, अभी शादी बुद्धि का नाम नहीं लेना उसने अभी। चलो बढ़िया, तो शादी का कोई इरादा नहीं है, शादी दूर की बात है। अच्छा आपका कोई ऐसा सपना है? एक बाप का भी सपना होता है, जैसे हमने कई सारे इंटरव्यूज में क्रिकेटर के फादर्स का इंटरव्यू सुना है, हमारा सपना था कि हमारा बेटा खेले और कम से कम वर्ल्ड कप लिफ्ट करे या वैसा कुछ करे, आपका ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सपना है? मेरे बच्चे का यही सपना था, मैंने इंडिया खेलना है। और आपका? तो आज उसका सपना पूरा हुआ, उसका हुआ तो हमारा पहले हो गया। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में है, यही बहुत बड़ी बात है। और अंकल आपसे बात करके मुझे इतना ज्यादा मजा आया ना, अभी भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, यहाँ पर आके सारे इनसे मिलते हैं। और अभी आप इस तरफ देखोगे ना भीड़ लग गई है, मैंने अंकल से पूछा भी सब्जी लेनी है या कुछ, कहते नहीं नहीं मैं बस अंकल से मिलने आया हूँ, तो यहाँ पर मिलने भी आते हैं अंकल से। और अंकल अभी भी जो पहले थे उमरान मलिक जब यहाँ पर हमारे एमएस स्टेडियम में खेलते होंगे या कहीं पर खेलते होंगे ना, सेम अंकल तब भी वैसे थे और अभी भी वैसे हैं। अंकल आप बदलोगे नहीं? बता क्या बदलना है यार, यही हमारे बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि उमरान मलिक ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे हिंदुस्तान का नाम और रोशन करेंगे, न्यूजीलैंड की टीम में, न्यूजीलैंड की सीरीज में तो फिलहाल सिलेक्ट हो चुके हैं, आगे आने वाले वक्त में नंबर वन बॉलर भी बनेंगे और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे जो सबसे फास्टेस्ट बॉल थी, पता ना आपको उसके बारे में मैं कुछ नहीं, ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करनी, लेकिन हम तो उम्मीद लगाएंगे भाई शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़वाना है, मतलब तोड़ना है यार। तो फिलहाल आज हम थे उमरान मलिक जी के फादर साहब के साथ, और उमरान मलिक जी न्यूजीलैंड की सीरीज में सिलेक्ट हो चुके हैं, आप सबने कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, और अंकल जी के लिए भी बिल्कुल दुआएं देनी है क्योंकि अंकल जी की वजह से ही उमरान मलिक, इन्होंने रोका नहीं टोका नहीं, जो दिल में आया वो करने दिया और आज जाके जो है बेटा इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा है। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी। क्या कमाल की वीडियो थी, बहुत ही मजा आया वीडियो देख के, उनके फादर की स्टोरी जानकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि वो इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल इतने अच्छे हैं। इतना इमरान मलिक जो है अभी मतलब जो इंडिया की टीम है उसकी तरफ से फास्ट बॉलर है ना, वो ना बहुत तेज बॉल करते हैं, तो इस वजह से वो जाने जाते। पिछला जो IPL का सीजन था ना तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बहुत आउट किए उसमें, तो स्पीड भी बहुत तेज है, 150 प्लस की करवाते हैं स्पीड से भी। तो वैसे भी ना इंडिया जो टीम है ना, इंडियन क्रिकेट टीम, शुरू से जब से ये क्रिकेट हुई है
ये ही देखने को मिलता है कि बैट्समैन ज़्यादा होते हैं या स्पिनर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, या इतनी स्पीड्स उनकी नहीं होती, 140 होगी या 145 प्लस होगी बस। तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम आए हैं जो काफ़ी तेज स्पीड करते हैं, 150 से भी ऊपर करते हैं। पाकिस्तान के तो आपको बताया कि बैटिंग नहीं इतनी मानी जाती, लेकिन बॉलर्स हमारे जो है ना वो तो 150 प्लस काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन इंडिया में इतना नहीं था। लेकिन अभी वो भी देखा है कश्मीर से, कश्मीर से यार आप देखें ये बहुत अच्छी चीज़, हाँ कश्मीर से क्रिकेटर निकल रहे हैं, मतलब कि दी जा रही है उनको भी राइट्स दिए जा रहे हैं कि यार कि वहां से भी लोग आके यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। वहां भी आपको पता है कि क्रिकेट की इसका मतलब है कि स्टेडियम्स वगैरह चीजें ग्राउंड्स दिए जा रहे बन रहे होंगे, जिसकी वजह से ऐसा टैलेंट सामने, क्योंकि हर जगह पर ही टैलेंट होता है जब आपका बस होता है कि आपको ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी देनी है, टैलेंट हर जगह पर बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन कोई लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर आपको पता मायूस होकर तो वो ये क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, ये वैसे सनराइजर हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं, और ये काफी ज्यादा वैसे अभी तो इन्होंने सीरीज और मैचेस खेल ही लिए हैं, तो थोड़ा बहुत इन्हें भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस होगा होगा। आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट एक अलग होती है, इंटरनेशनल अलग होती है, इस साल भी आईपीएल होगा तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से हमें वो देखने को मिलेगा। मुझे तो वैसे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से स्पीड से वो बॉल करते हैं, और उनके जो फादर उनका इंटरव्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब होता ना कि यार जब क्रिकेट में लोग चले जाते हैं तो फिर वो अमीर हो जाते थे, वो बोलते हैं यार बस अभी छोड़ दे, ठीक है हां सब्जी का काम करते हैं, अभी भी वो अपना फल का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो बंदा शुरू से काम करता हो ना तो जब तक वो काम करे ना उसको सुकून नहीं मिलता आदत, और वैसे भी मुझे लगता है कि काम करते करते ना आप अच्छे और तंदुरुस्त भी रहते हैं, आप जब इस उम्र में हो अगर आप बैठ जाए ना एक जगह तो फिर वो आप बैठ ही जाते हैं, तो अगर आप चलते फिरते रहे ना तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। फलों की दुकान है, सब्जी की दुकान है, तो उन्होंने डाली हुई है कश्मीर में ही और वो बेच रहे हैं, और ये देखे काफी अच्छा लगा कि वो प्राउड है बहुत ज्यादा। ये कितनी अच्छी बात होती है कि यार आपको कोई आकर जब विदाई देता है कि यार बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा इंडिया का लिए खेलता है, तो लोग कितने ज्यादा लोग आते होंगे, घर में रिश्तेदार भी होंगे, तो बहुत ही खुशी होती है, हो जाता है भाई। हमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये इनका इंटरव्यू उनके फादर का देख के, मुझे इमरान मलिक का नहीं था पता लेकिन अभी पता चल गया, बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।